हमारे सामने बहुत सारा ई रिक्शा रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ई रिक्शा का ब्रेक शू चेंज करके दिखाने वाला हूँ। बहुत सारा दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि ई रिक्शा का ब्रेक शू अगर खराब होता है तो किस तरीके से हम चेंज करें। ई रिक्शा का ब्रेक शू को चेंज करने के लिए हमें चाहिए कूलर, लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं आपको कूलर के बगैर ई रिक्शा का ब्रेक शू को चेंज करके दिखाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ओके करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पे कुछ सामान रखा हुआ है और ये सब सामान के जरिए आज हम ये ब्रेक शू को चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये ब्रेक शू को चेंज करने से पहले आपको एक बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए देख लेते हैं। दोनों साइड में आप इसी तरीके से जाम कर लीजिए ताकि आपका ई रिक्शा इधर उधर ना भागे। तो अभी हम ये वाला व्हील को निकालेंगे, हम ये कवर को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो ये कवर को निकाल दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉक लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये लॉक को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो ये लॉक को मैं निकाल दिया हूँ। ये वाला जो लॉक है ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, और ये जो नट है ये हमारा 30 नंबर नट होता है। अब देख सकते हो हमारे हाथ में एक रिंग है 30-32, और ये रिंग के जरिए अभी हम इसको थोड़ा लूज कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसको लूज करने से पहले आप हैंड ब्रेक को जरूर लगाएं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ये डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये स्टार नट को निकाल के भी इसको ओपन कर सकते हो। ये मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो आप देख सकते हो ये हमारा 30 नंबर नट, ये जो है ये रियर एक्सेल बोला जाता है, और ये रियर एक्सेल से ये 30 नंबर नट निकल चुका है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जैक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं जैक का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लकड़ी का टुकड़ा को इस्तेमाल मैं किया हूँ, और ये पूरा नीचे से ऊपर आ चुका है। तो अभी आप इस प्लास के जरिए यहाँ पे जो वॉशर आप देख सकते हो अंदर में, इसको पहले निकाल दीजिए। तो मैंने ये वॉशर को निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। हमारा जो वॉशर है वो निकल चुका है। अभी हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये जो 30 नंबर नट है इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। आपने देखा हमने इसको लगा लिए हैं। और यहाँ पे मैं और एक चीज मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप अंदर अगर फॉलो करते हो तो आपको एक लॉक दिखाई देगा। यहाँ पे जो है ये हमारा लॉक होता है, तो अभी मैं इसको निकाल दूंगा। तो आपने देखा मैंने इस तरीके का एक लोहे का टुकड़ा लिया हूँ, और अभी हमें यहाँ पे बिठाना है और इस तरीके से यहाँ पे बार करना है। अगर इस तरीके से आप अगर व्हील को निकालते हो तो आप ध्यान रखिए कि आगे अगर आपका ई रिक्शा में हैंड ब्रेक को लगाए हो तो आप हैंड ब्रेक को खोल लीजिए और इसी तरीके से आप बार कीजिए।
इस तरीके का एक हथौड़ा लिया था, इससे अगर आपके पास बड़ा हो तो ये आसानी से खुल सकते हो, क्योंकि इससे अगर बार करते हो तो ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 30 नंबर नट को फिर से निकाल लिया हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो अंदर में एक लॉक को मैंने पहले दिखाया था वो लॉक अभी भी दिख रहा है, लेकिन ये लॉक पहले से ज्यादा लूज हो चुका है। तो आपने देखा ये हमारा जो व्हील है वो निकाल चुका है। तो आपने देखा ये रिंग को खुले बगैर हमने ये ड्रम को निकाल दिया हूँ, तो इसको हम साइड पे रखेंगे और अभी हम दिखाएंगे यहाँ का नजारा। तो आप देख सकते हो ये और ये दोनों ही हमारा ब्रेक शू है, और मैं आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर में एक लॉक होता है, और ये पेंसिल लॉक को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। तो इसको हम रखेंगे साइड में और आपको दिखाएंगे ये ब्रेक शू को किस तरीके से निकालना पड़ता है। लेकिन उससे पहले और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा, ये हमारा एक बुशिंग होता है, ये बुशिंग अगर खराब होता है तो हमारा जो ड्रम होता है यहाँ पे लगा हुआ, वो ड्रम इस साइड में घिसता रहता है, और जिसके वजह से हमारा व्हील से यानी पीछे से ज्यादा साउंड आने लगता है अपना ई रिक्शा पे। तो इसको हम निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हो अभी हमें एक्चुअली इसको निकालने के लिए यानी लॉक को इसको निकालने के लिए हमें चाहिए एक नोज प्लास, लेकिन फिलहाल मैं ये प्लास के जरिए इसको निकालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसको निकालना है। तो आप देखा ये पहले वाला लॉक जो है इसको हम निकाल दिया हो, तो इसको भी साइड में रखेंगे, और यहाँ पे दूसरा वाला, और यहाँ पे जो दूसरा लॉक है इसको भी हम एक बार निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये लॉक को निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास नोज प्लास हो। तो यहाँ पे जो है इसको हम निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से सारा चीजों को मैंने निकाल दिया हूँ, तो इस तरीके से आप एक स्क्रू ड्राइवर के जरिए प्रेस कीजिए और ये धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा ब्रेक शू पूरा निकाल चुका है ई रिक्शा से। तो अभी आपने देखा यहाँ पे जो सारा कुछ लगा हुआ था वो निकाल चुका हूँ। अभी हमें यहाँ पे जो चेरा पिन रहता है यानी ब्रेक रॉड का, तो पहले हमें ये ब्रेक रॉड का जो चेरा पिन लगा हुआ रहता है इसको निकाल देना है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो नट होता है इसको आप आसानी से निकाल सकते हो 14 नंबर डाल और रेंज के जरिए। ब्रेक रॉड को मैं इसलिए यहाँ से निकाला हूँ ताकि आप अगर आपका ई रिक्शा का ब्रेक शो अगर खराब होता है और आप चाहते हो कि आपका ई रिक्शा का ब्रेक शो को अभी चेंज नहीं करूंगा, तो भी आप इसको एडजस्ट करके और 2-3 महीना आराम से चला सकते हो। एडजस्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए हमें चाहिए एक डाल रेंज, और ये है डाल हमारे हाथ में, और ये है 10 नंबर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नट, इस तरीके से ये नट को आप ओपन कर सकते हो। तो आप देखा इसको हम हाथ से, तो आप देखा ये 10 नंबर नट को मैं निकाल दिया हूँ। तो अभी हमें ये जो है इसको हमें इस तरीके से निकाल देना है। तो आपने देखा इसको हमने निकाल दिया हूँ, और इसे हमें फिर से दोबारा यहाँ पे ही एडजस्ट करके ये नट को लगाना है। तो आपने देखा अगर आप मान लीजिए आपका ई रिक्शा का ये यहाँ पे जो है ये हमारा सीधा है, तो ये भी अगर सीधा होता है आपका ई रिक्शा तो आप इसको निकाल दीजिए और इसे इस तरीके से टेढ़ा करके फिर ये वाला जो नट है इसके जरिए आप कस लीजिए, और कसते समय आप बिल्कुल ध्यान देंगे ताकि ये जो नट है ये लूज ना रहे। अगर ये लूज रह जाता है तो आपका ब्रेक का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरीके से आप नट को फंसाइए और इसको बहुत ही आसानी से, और ये नट को आप बहुत अच्छा तरीके से टाइट कर लीजिए। तो आपने देखा ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे फिर से ये जो हमारा ब्रेक रॉड है इसको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने खोला था इसको, उसी तरीके से हम इसको फिर से
ब्रेक रॉड को लगाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे मैं ग्रीस लगाया हूँ, और ये ग्रीस क्यों लगाया हूँ वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो पहले आप इस तरीके से ये जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पे लगा लीजिए, और इस तरीके से आप ये जो हमारा ब्रेक शू है इसको लगा लीजिए। तो आप देख सकते हो हमारा ब्रेक शू यहाँ पे लग चुका है। इस तरीके से आप आपका ई रिक्शा का जो ब्रेक शू है उसको लगा लीजिए। इसी तरीके से हम जिस तरीके से चेहरा पिन को, जिस तरीके से हम ये लॉक को निकाला था उसी तरीके से यहाँ पे लॉक को लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो ये दोनों लॉक हमारा लग चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ब्रेक को दबाते हो तो आपका ब्रेक फंस जाता है। वो कैसे फंसता है और इस मामले में आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जब हम ब्रेक को दबाते हैं तो ये फ्रंट की ओर चलता है, इस तरीके से ये हमारा ब्रेक काम करते है। अगर आपका ई रिक्शा में ब्रेक करते हो और इस तरीके से फंस जाता है तो आपका ई रिक्शा का जो व्हील है वो जाम हो जाता है, और जिसके वजह से आपका माइलेज भी कम मिलता है, और आपका जो यहाँ पे जो ड्रम देख सकते हो ये ड्रम बहुत ही ज्यादा हीट होता है, और ये ड्रम हीट होते होते ये हमारा जो व्हील है ये भी बहुत ज्यादा ही हीट हो जाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने पहले ग्रीज लगाया हूँ आप देख सकते हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ग्रीज लगा सकते हो। तो आपने देखा ब्रेक दबाने से अगर आप ब्रेक फंस जाता है तो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपने देखा किस तरीके से ब्रेक शू को हमने निकाला था, और अभी आप ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो बुशिंग था इसको भी यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो अभी हम इसको यहाँ पे फिर से लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप ये एक्सेल के अंदर में बिठा लीजिए, और यहाँ पे जो छेदा आप देख सकते हो, पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक पेंसिल लॉक होता है, और ये पेंसिल लॉक को यहाँ पे हम लगा लेंगे। इस तरीके से आप ये जो पेंसिल लॉक है यहाँ पे लगा लीजिए, और इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जो वॉशर होता है वो वॉशर को भी देना बहुत ही जरूरी है। तो ये वॉशर को आप यहाँ पे दे दीजिए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हाथ में है 30 नंबर नट, और इसको हम ये जो रियर एक्सेल है इसमें लगा लेंगे, और ये जो 30 नंबर नट है इसको आप अच्छे से कस लीजिए। तो आप देख सकते हो 30 नंबर नट को मैंने अच्छे से कस लिया हूँ, और यहाँ पे जो हमारा लॉक था इसको भी हम लगा लेंगे। तो आपने देखा ई रिक्शा का ब्रेक शू को किस तरीके से चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।